माय किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी। उसके लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, थोड़ी सी मटर ली है, एक बड़ा टमाटर लिया है और फूल गोभी ली है, दो बड़े प्याज लिए हैं जो स्लाइस में काट लिए हैं, और दो गाजर लिए हैं, उनको भी धो के साफ करके छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है, और गोभी को भी इस तरह से काट लिया है। एक कटोरी कच्चा धनिया, एक कटोरी चावल, थोड़े से काजू और कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, चार पांच काली मिर्च, तीन लौंग, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च को स्लाइस में काट लिया और थोड़ी सी दही। एक बड़ा बाउल लेके पानी ले लिया है और चावल को अच्छे से वॉश करेंगे। चावल को भिगो के नहीं रखेंगे, सिर्फ वॉश करके रख लेंगे। इस तरह से धो लेना है। इसे देखिए, चावल के छिलके ऊपर आ गए हैं। इसी तरह से दो तीन बार धो लेना है। चावल को अच्छे से धो लिया है और इसको रख देंगे। आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब कुकर ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे घी। सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर देसी घी मैंने डाल दिया है। अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है और बिरयानी में ब्राउन प्याज डालते हैं, तो इसलिए पहले प्याज को तल लेंगे, थोड़े से प्याज को, और इस तरह से चलाते रहेंगे। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। बीच बीच में चलाते रहना है। प्याज को हाई फ्लेम पे पकाएंगे, इसलिए अच्छे से क्रिस्पी होंगे। बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे और इससे ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि निकालने के बाद डार्क हो जाते हैं प्याज, थोड़ी सी डार्कनेस आ जाती है। ये देखिए इस तरह से। इसी घी में अब हम ये खड़े मसाले डालेंगे जो हमने ले रखे हैं। खड़े मसाले हमारे पक गए हैं, अब हम डालेंगे प्याज जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया था लंबे लंबे, और प्याज को और बीच बीच में चलाते रहना है। प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में हरी मिर्च जिसको स्लाइस में काट रखा है, इसको भी 2 मिनट तक पकाएंगे। हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी पक गया है। अब हम डालेंगे सब्जियां जो हमने ली थी, गाजर, मटर, गोभी, एक बड़ा आलू जिसको स्लाइस में काट लिया है धो के साफ करके। आलू को मैं दिखाना भूल गई थी, आलू भी डलेगा। सारी सब्जियों को डाल लिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा भी रखना है सब्जियों को, और थोड़े बड़े बड़े पीसेज में काटा है। आप यहाँ पर और सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स का कर सकते हैं, अगर शिमला मिर्च हो या कोई और चीज़ आप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। और हम इनको 2-3 मिनट पकाएंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। सब्जी को 2-3 मिनट मैंने पका लिया है, और अब मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ। और दही डालने से पहले फेंट लेना है, मैंने दही को फेंट लिया है, और ये फ्रेश दही है। और दही डालते वक्त फ्लेम को स्लो कर देना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चलाते रहना है जिससे दही फटे ना। दही डालने के बाद 1 मिनट के लिए चलाना है जिससे दही अच्छे से कोट हो जाए। और हमने 1 मिनट चला लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्लेवर मसाले, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं बिरयानी मसाला। अच्छे से मिक्स कर देंगे, सभी सब्जी में मिल जाए। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। अब हम इस पर लेयरिंग करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे कच्चा धनिया। अगर आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना जरूर डालिए, उससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, ब्राउन किए हुए अनियन डालेंगे, प्याज, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे कलर लाने के लिए, देसी घी डालेंगे,
देसी घी में ही हम बना रहे हैं, तो हम एक बार और थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे। अच्छे से पूरे कुकर में चारों तरफ फैला देंगे। हाथ से इस तरह से फैला देंगे चावल को। हरा धनिया डालेंगे, पुदीना है तो आप पुदीना भी डालना। ब्राउन किए हुए अनियन डालेंगे, प्याज फैला देना है। एक चम्मच देसी घी डालेंगे। इसी कटोरी में मैंने चावल लिया था, इसी के हिसाब से डालेंगे। एक कटोरी चावल था, दो कटोरी पानी डालेंगे। अब जो थोड़े से चावल बचे थे इनकी भी लेयर कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया डाल दिया ऊपर से, और अब ये काजू डालेंगे। और अब ढक्कन लगा के दो विसल लगवाएंगे हाई फ्लेम पे। दो विसल लग चुके हैं और प्रेशर को अंदर ही रहने देंगे, अपने आप निकलने देंगे भाप को। दो विसल लग चुके हैं और प्रेशर भी अपने आप निकल गया है। अब हम कुकर को खोलेंगे। अब मैं आपको नीचे से निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से साइड से करना है, बीच से नहीं करना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। ये देखिए।